बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरेबिया से लाइव हूँ मैं जद्दा से। तो जद्दा के मौसम इलाके घूम रहा हूँ इस वक्त भी। मैं एक टैक्सी में मौजूद हूँ और एक भाई है मुझको, दूसरी तीसरी दफ़ा ये मिल गया है, इसी के साथ सफ़र कर रहा हूँ मैं। तो मुसरिफ मॉल्स वगैरह मैं जा रखा हूँ आपके साथ, जैसा कि वीडियो शेयर कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह ताला आप भाइयों को जल्द ही मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ जो मेरे भाइयों के यहाँ पर इकामे एक्सपायर हो चुके हैं या हरूब वाले हैं या कोई केस का मसला है, तो उनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पाकिस्तानी सफारतखाने से। लाइव आपको मैं कुछ मनाजर दिखाऊंगा। तो अभी बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ के ऊपर। सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो बहाल हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स वीरान पड़े हुए हैं, ये आपको पता है जी। लेकिन जो भाई जिन भाइयों ने अगर मुझसे बहुत से भाई अभी भी ये कमेंट पर पूछ रखे हैं कि भाई हमारा क्या बनेगा, भाई आपका ये बनेगा आपके 30 सितंबर तक वीजा इकामा छुट्टी बढ़ चुके हैं, इंजॉय करें, घूमें फिरें, खाएं पिएं, एक हफ्ता नहीं 10 दिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन होंगे आप भाइयों के लिए भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी होगा क्या ये मैं आपको क्लियर कर दूं भाई। अभी होगा ये कि जिन बंदों ने फाइजर या एस्ट्राजेनेका लगाई होगी वो तो सफर कर सकेंगे, जैसा कि अभी आपको पता है सऊदी अरेबिया ने ऐलान कर दिया है। जिन बंदों ने यहां से वैक्सीन की दोनों डोज ली है वो आ सकते हैं, जिन बंदों ने वहां से ली है फिर ऐलान किया जाएगा वो भी आ सकते हैं। लेकिन चाइना वैक्सीन वाले भाई फंस जाएंगे। चाइना वैक्सीन के साथ प्लस बूस्टर आपको लगवाना होगा भाई, बूस्टर लगवाएं। अभी 1 सितंबर से पाकिस्तान में बूस्टर लगना शुरू हो चुका है, आप भाई वो बूस्टर की एक डोज लाजम लगवाएं ताकि आप भी एक्सेप्टेबल हो सऊदी अरेबिया के लिए। तो उसके बाद भाई जैसा ही 5-10 दिन बाद ये फ्लाइट्स का ऐलान किया जाएगा आप भाइयों के लिए, आप भी सऊदी अरेबिया में आ सकेंगे। कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है, किसी एजेंट को पैसे खिलाने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का यानी कि वाई के साथ आने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपका आपको पता है 3 से 4 लाख रुपए लग जाएगा पाकिस्तान से आप सफर करते हैं। तो ये रिस्क लेने की अभी जरूरत नहीं है, ये टाइम गुजर चुका है। अभी आप भाई कुछ दिन सिर्फ इंतजार करें, सऊदी अरेबिया आपके लिए भी फ्लाइट्स ओपन करने वाला है। बस जिन बंदों ने फाइजर एस्ट्राजेनेका लगाई हुई है वो तो बेस्ट है जी, जिन बंदों ने नहीं लगाई हुई है चाइना की लगाई हुई है वो भाई बूस्टर लगवाएं, अपने आप को क्लियर करें और सऊदी अरेबिया की तैयारी रखें बस।